हिमाचल दिवस तो आज हम यहाँ पर सोलन के छोटो ग्राउंड पे आए हैं यहाँ पर और सीएम आए हैं और कुछ उन्होंने लेक्चर दिए हैं। सॉरी मैं आपको लेक्चर नहीं सुना पाई लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ ये है जहाँ पर सीएम आया है और छोटो ग्राउंड पे स्टेज पर है एंड और साथ में मेरे फ्रेंड्स आए हैं ये हिमाचल दिवस के फ्रेंड्स हैं एंड मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ पर क्या क्या दिखाया गया है और जयराम यहाँ पर आए हैं उन्होंने कुछ लेक्चर दिए हैं हिमाचल दिवस पर। ये मेरे साथ फ्रेंड्स आए हैं ये सारे मेरे फ्रेंड हैं और हम हिमाचल दिवस आए हैं। ये है हिमाचल प्रदेश की कुछ प्रस्तुत नृत्य आप देख सकते हैं। उन्होंने कोरोना पे सॉन्ग डांस किया बहुत अच्छा डांस किया मैंने आपको भी बताया है और अब अगला प्रोग्राम देखते हैं क्या होता है और आपको दिखाते हैं। अगला प्रस्तुत होने जा रहा है थ्योर से प्रस्तुत नाट्य वो थ्योर से है और उसमें कुछ अच्छा सा नाट्य होगा मैं आपको बताती हूँ थ्योर की नाट्य। आप देख सकते हैं ये है ठियोग का प्रस्तुत नाट्य हिमाचली का डांस और बहुत ही प्यारा है आप ध्यान से देख सकते हैं हिमाचली प्रस्तुत नृत्य ठियोग से। किस तरह हमारी सरकार इस दिशा में सफलता के साथ मंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश वो उपस्थित सभी मंत्रीगण अधिकार सड़कों पे फिरते हैं मारे मारे
बाल व्यूज पर स्क्रिप्ट हो रहा है, बहुत ही प्यारा स्क्रिप्ट हो रहा है, आप इससे देख सकते हैं ध्यान से। और हमारी योजनाएं देश की महत्ता प्रस्तुत नृत्य देख सकते हैं आप। Thank you.
मार मार कर चलाते रहोगे। अरे बेटा, जब तक नया टीवी नहीं आ जाता तब तक इसी से काम चलाना पड़ेगा ना। दादी आप ये समझिए कि नया टीवी बस आ गया, मैंने ऑर्डर कर दिया है और आज उसकी डिलीवरी भी होने वाली है। सच में? जी आपका पार्सल आया है। थैंक यू सर, थैंक यू। दादी इनको पैसे दे दो। हाँ, ये लो बेटा। जी धन्यवाद। धन्यवाद। अरे वाह दादी, इतना बड़ा टीवी। बेटा ये तो बड़ा अजीब टीवी है। दादी ये नई टेक्नोलॉजी का टीवी है। वाह दादी क्या बात है, इसमें तो आपकी फोटो भी नजर आ रही है। अरे नलायक, इसमें तो स्क्रीन ही नहीं है। मुझे लगता है दुकानदार ने खलती से भेज दिया होगा। फोन करो उसे। मैं भी करता हूँ दादी। अब क्या हुआ? दादी ये नंबर तो स्विच ऑफ बता रहा है। तो बेटा उसकी दुकान में जाके पूछ ना। दादी ये मैंने दुकान से नहीं मंगवाया था। वो मेरे फोन में परसों ना एक लिंक आया था, उसमें ऑफर आ रहा था कि 50,000 रुपए का टीवी सिर्फ 15,000 में दे रहे हैं। मैंने वहाँ से ऑर्डर किया था। मुझे लगता है हमारे साथ फ्रॉड हो गया दादी। सत्यानाश हो तेरा, तेरे सोचने के चक्कर में मेरे 15,000 डूब गए। आज मैं तेरी बात से बताती हूँ। प्लीज सॉरी दादी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, पूछ तो मेरा पोता पीता है, वो मेरे पते से करो बात। हेलो, हाँ जी सर। अच्छा हेल्थ डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं? अरे सर, अच्छा रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, मैं लिखवाता हूँ अभी भी आपको। देखिए 1-2-4, 4-2-1। हाँ जी हाँ जी, मेरे दादाजी का नाम है लखन। बूस्टर डोज लगने जा रही है, आप कोरोना से बिल्कुल सुरक्षित हैं। अरे दादी ये क्या, आपके अकाउंट से 20,000 रुपए कट गए? 20,000 कैसे कट गए? ओ दादू, हमें ओटीपी नहीं बताना चाहिए था हमको। तो तूने बताया क्यों? अरे दादू आजकल ये फ्रॉड करने वाले नए नए तरीके अपनाते हैं, आपको बूस्टर डोज लगवाने के चक्कर में मैंने उनको ओटीपी बता दिया। देख बेटा, मैं तो बूस्ट नहीं हुआ, लेकिन मैं तुझे बूस्ट करके जरूर चलूंगा। अरे नहीं दादू, सॉरी। चिंटू, अरे दादू नहीं। चिंटू आज का व्लॉग यहीं पर खत्म होता है गाइस। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू। और मुझे कुछ और काम पे जाना है, इसे साथ में।